शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हज़रत उमर बिन ख़ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक देहाती से घोड़ी खरीदी, उसे कीमत अदा की, उस पर सवार हुए और चल दिए। अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि वह लंगड़ाने लगी। आप उसे वापस मोड़कर उस शख्स के पास ले आए जिसे ख़रीदी थी। फरमाया, ये घोड़ी वापस ले लो, ये तो लंगड़ाती है। बेचने वाले ने कहा, मीरुल मोमिनीन, ये मैं वापस नहीं लूँगा क्योंकि मैंने सही हालत में आपके हाथ फरोख्त की थी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, चलिए फ़ैसले के लिए किसी को मुनसिफ मुकर्रर कर लें और मेरे और आपके दरमियान अदल व इंसाफ़ की बुनियाद पर फ़ैसला करें। इसलिए कि इस्लामी असूल ये है कि दो आदमियों में इख्तलाफ़ हो तो तीसरे को हुक्म फ़ैसला करने वाला बनाना चाहिए कि वह उन दोनों में फ़ैसला करें। लिहाजा उन्होंने अपने दरमियान एक हाकिम बना लिया। बदवी ने कहा, क्या शरी बिन हारिस कुंदी का फ़ैसला आपको मंजूर होगा? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे मंजूर है। लिहाजा दोनों फ़ैसला कराने की घर से काजी शरी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँचे। उन्होंने पहले देहाती की बात पूरे इत्मीनान से सुनी, फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, अमीरुल मोमिनीन, क्या ये घोड़ी जिस वक्त आपने ख़रीदी थी उस वक्त सही चल रही थी, सालिम थी? फरमाया, हाँ। काजी शरी रहमतुल्लाह ने कहा, तर्जुमा, ए अमीरुल मोमिनीन, जो चीज़ आपने सही हालत में ख़रीदी उसे अब अपने पास रखिए या फिर उसी हालत में वापस लौटाएं जिस हालत में आपने उसे ख़रीदा था। अमीरुल मोमिनीन ने काजी शरी की तरफ बड़े ताजुब से देखा। फरमाया, क्या ये फ़ैसला इंसाफ पर मबनी है? काजी शरी ने कहा, कौल फसल हुक्म अदल तर्जुमा, हक बात और अदल व इंसाफ का तकाजा यही है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये फ़ैसला सुनकर खुश हुए। फरमाया, अब आप कूफा तशरीफ़ ले जाएं क्योंकि मैंने आपको वहाँ का रईसुल कज़ादा चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया है। बिलाशुबा आप जैसा नडर और बासलाहियत शख्स ही इस अहम मंसब पर फायज हो सकता है। जिन दिनों अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने शरीह बिन हारिस कंदी को रईसुल कज़ादा चीफ जस्टिस का मनसब सौंपा, उन दिनों वह मदीना मनवरा के माशरे में गैर मारूफ व गैर मशहूर ना थे बल्कि ऊंचा दर्जा के सहाबा कराम रज़वानुल्लाही अजमाइन और बड़े मर्तबा के ताबईन रहमतुल्लाह अलैह में खूब जाने पहचाने जाते थे। हर हलका में उन्हें कदर की निगाह से देखा जाता था। अहले फजलो अहले कमाल उनके इलम और उनकी जहानत होशियारी और समझदारी के कायल थे। ये यमन के रहने वाले थे और अरब के मशहूर कबीला कुंदी से उनका ताल्लुक था। चूँकि उस ज़माने में जो भी इस्लाम ले आता फिर वो इस्लाम को फैलाने की मेहनत में लग जाता। जब अरब नूर हिदायत से चमका, इस्लाम की रोशन किरणें सरजमीन यमन तक पहुँची, तो काजी शरी उन खुश नसीबों में से हुए जिन्होंने अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की सआदत हासिल की और हक व हिदायत की दावत को कबूल किया। उनके फजलो इल्म व अखलाक के जानने वालों को हद दर्जा अफसोस था कि उन्हें कुछ अरसा पहले मदीना मुनव्वरा आने की सआदत मिल जाती तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शरफ हासिल कर लेती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से बराह रास्त हिदायत पाते और उन्हें ईमान के साथ साथ शरफ़ सहाबियत भी हासिल हो जाता। इस तरह खैर व भलाई हर तरफ से उन्हें अपनी लपेट में ले लेती, लेकिन ये उनके मुकद्दर में ना था। होता वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त जबकि अकाबिर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में एक ताबी को इतना बड़ा मनसब सौंप कर किसी जल्दबाजी से काम नहीं लिया बल्कि जिसमें जो सलाहियत देखी वह मनसब उसको अदा कर दिया। इसलिए आपके बाद हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सब ने ही उनको इस ओहदे पर कायम रखा। यहाँ तक कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद के खुलाफा बनी उमैया ने भी आपको इस मनसब पर कायम रखा। अल्हम्दुलिल्लाह आपने 107 साल तक की उम्र पाई जिसमें से 60 साल तक अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से काजी की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दी। मुसलमानों की तारीख के सफ़ात काजी शरीह के मुबारक अदालती फ़ैसलों, पसंदीदा अकवाल और काबिल रश्क कारनामों से बड़े पड़े हैं जिससे हर हासो आम फ़ायदा उठाता है और इस्लाम के इस मुबारक निज़ाम की बुलंदी उसके दिलो दिमाग में बैठ जाती है। उनमें से एक फ़ैसला मुलाहजा हो, एक रोज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पसंदीदा और कीमती ज़रा जो जंग के ज़माने में हिफाजत के लिए पहनी जाती है वो गुम होगी। थोड़े ही अरसे बाद
उन्होंने एक जी शख्स मुसलमान हुकूमत के मातहत रहने वाला गैर मुस्लिम को देखा। वो ज़रा कूफा के बाजार में बेच रहा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस ज़रा को देखती पहचान लिया, फरमाया, ए ये ज़रा मेरी है, एक रात दौरान सफ़र रास्ते में ऊँट पर से गिर गई थी। जमी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी ज़रा है इसलिए कि ये मेरे कब्ज़े में है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ये ज़रा तो मेरी है, ना तो मैंने ये किसी के हाथ बेची है और ना ही मैंने किसी को तोहफे में दी है। जमी ने कहा, मेरी और आपके दरमियान कोई मुसलमान काजी जो फैसला कर दे मुझे मंजूर है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, आप दुरुस्त कहते हैं, चलिए अभी काजी के पास चलते हैं। दोनों काजी शरीह रहमतुल्लाह अलैह के पास चले गए। वहाँ अदालत में जा खड़े हुए काजी शरीह रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने अपनी ये ज़रा इस शख्स के पास पाई जो मुझसे फलां रात में फलां जगह सफ़र के दौरान गिर गई थी, और इस शख्स ने ना तो ये ज़रा किसी से तोहफे में ली है और ना इसने ख़रीदी है और ना ये किसी की तरफ से हदिया आया है, लिहाजा ये ज़रा मुझे वापस दिला दी जाए। काजी शरीह ने जमी से कहा, आप इसके मुतल्लिक क्या कहना पसंद करेंगे? उसने कहा, यह ज़रा मेरी है क्योंकि उस वक्त मेरे कब्ज़े में है और मैं अमीरुल मोमिनीन पर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम लगाना नहीं चाहता। काजी शरीह ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ देखा, इरशाद फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, आपके सच्चा होने में मुझे कोई शक नहीं, ये ज़रा बिला शुबा आपकी है, लेकिन चूँकि इस वक्त मुकदमा अदालत में है, इसे अपनी मलकियत साबित करने के लिए आपको दो गवाह पेश करना होंगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, मेरा ग़ुलाम कुंबर, मेरा बेटा हसन मेरे हक में गवाही देंगे। काजी शरीह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, गुलाम की गवाही आका के हक में और बेटे की गवाही बाप के हक में काबिले कबूल नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह सुनकर इरशाद फरमाया, सुबहानअल्लाह, एक जन्नती आदमी की शहादत कबूल नहीं, क्या आपने रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए नहीं सुना, अल हसन अल हुसैन सैयद अशबाब अहल जन्ना, हसन और हुसैन दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। काजी शरीह ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, यह दुरुस्त है, लेकिन मैं बाप के हक में बेटे की गवाही को जायज़ नहीं समझता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जमी की तरफ देखा, फरमाया, ये ज़रा अपने कब्ज़े में ही रखिए क्योंकि मेरे पास इनके सिवा कोई गवाह नहीं। ये सूरत हाल देख कर जमी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं गवाही देता हूँ कि ये ज़रा आप ही की है। फिर वो ताज्जुब से कहने लगा, ए अल्लाह, इस्लाम में इंसाफ का मियार कितना ऊँचा है, आज अमीरुल मोमिनीन अपने मातहत काजी से फैसला कराने के लिए पेश हुआ और काजी ने समाअत के बाद फैसला अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ मेरे हक में दे दिया। मैं गवाही देता हूँ कि वो दिन जो इस किस्म के फैसले करने का हुक्म देता है वो बरहक है, और मैं आज इससे मुतासिर होकर अदालत के सामने सच्चे दिल से इकरार करता हूँ। इसके बाद उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। सुबहानअल्लाह। दोस्तों, ऐसी सच्चे वाकियात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। अल्लाह निगहबान।